धोखा देने वाले 5 विधायकों को नहीं छोड़ेगी आरजेडी। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, बिहार से एक बड़ी खबर सामने आई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह ऐलान कर दिया है कि जिन विधायकों ने शक्ति परीक्षण यानी फ्लोर टेस्ट के दौरान उनकी पार्टी को उनको धोखा दिया, अब वो उन विधायकों को नहीं छोड़ेंगे, उनकी सदस्यता तो जाना तय है, ऐसा कहना है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव ने 5 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि उन्होंने बिहार विधानसभा अध्यक्ष से कार्रवाई की मांग की उन विधायकों के लिए, जो 5 विधायक हैं आरजेडी के, उनको उनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की गई है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मजबूरन तेजस्वी यादव कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो तेजस्वी का ये ऐलान है कि वो उन विधायकों को जिन्होंने बगावत की थी उनको वो छोड़ेंगे नहीं, उनकी सदस्यता तो लेकर ही रहेंगे वो, ऐसा तेजस्वी यादव के संबोधन से समझ में आता है। हम आपको बयान सुनाएंगे आगे। आपको बता दें बिहार में जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ा था, एनडीए के साथ चले गए और उसके बाद 9वीं बार सीएम बने, बिहार में नई सरकार चल रही है एनडीए की, और इससे पहले भी एनडीए की सरकार रह चुकी है बिहार, एक बार फिर नीतीश कुमार एनडीए के स्टीयरिंग को संभाल रहे हैं बिहार के अंदर। अब जहां पर बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है, चल रही है, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने वो पुराना जख्म वो भूले नहीं है, क्योंकि बिहार में जब फ्लोर टेस्ट हुआ था 12 फरवरी को, उस दौरान आरजेडी के 3 विधायक पाला बदलकर चले गए थे एनडीए के पाले में, उसके बाद 2 और विधायकों ने पाला बदला, वो भी एनडीए के साथ चले गए, इसके बाद 5 विधायकों ने आरजेडी से बगावत कर दी, और अब तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि वो उन विधायकों पर कार्रवाई करवा कर रहेंगे, और जो धोखा दिया गया है, जो बगावत की गई, उसका जवाब भी तेजस्वी यादव और आरजेडी अब उन विधायकों को देगी। क्या चल रहा है तेजस्वी का प्लान इस रिपोर्ट में? बिहार में पिछले महीने नीतीश कुमार के महागठबंधन से अलग होकर एनडीए के साथ जाने के बाद से राष्ट्रीय जनता दल के 5 विधायक पार्टी छोड़कर सत्ता पक्ष में शामिल हो चुके हैं। जिस दिन बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार का शक्ति परीक्षण था, उस दौरान सूर्यगढ़ा विधायक प्रहलाद यादव, शिवहर विधायक चेतन आनंद और मोकामा विधायक नीलम देवी मतदान के पूर्व ही पाला बदलते हुए सत्ता पक्ष के साथ हो गई। 12 फरवरी से शुरू हुआ यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। आरजेडी के इन 3 विधायकों के बाद मोहनिया विधायक संगीता देवी और उसके बाद भभुआ विधायक भरत बिंद भी आरजेडी से निकलकर सत्ता पक्ष में शामिल हुए। पार्टी को धोखा देने वाले विधायकों के खिलाफ आरजेडी ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखित शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब तक इन विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब पार्टी इस मसले को लेकर गंभीर है। पार्टी ने संकेत दिए कि अगर विधायकों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो इनकी सदस्यता रद्द नहीं की गई तो पार्टी कोर्ट की शरण में जाएगी और दल विरोधी गतिविधि कानून के तहत कार्रवाई की मांग करेगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा उनके पास विकल्प है और पार्टी इस मुद्दे को लेकर गंभीर है। दल छोड़ने वाले विधायकों की सदस्यता जाना तय है और परंपरा के हिसाब से वोटिंग के टाइम जिसको जहां सीट अलॉट होता है उसको वहीं बैठना पड़ता है, तो इतना बड़ा सबूत है तो हम तो लिख करके दिए हैं, कार्रवाई तो होनी चाहिए। अब अगर कुछ निर्णय नहीं ले पाते हैं स्पीकर महोदय तो हमारे पास रास्ता खुला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया तो स्पेसिफिकली हम लोग जा करके पिलाएंगे। आप तो कम से कम स्पीकर साहब को निर्णय ले लेना चाहिए। पैसे पर बुलाया गया है जो कि भाजपा के लिए ठीक है, उनकी मर्जी। एक बार फिर सब जितना लाखों लोग आए ना सबके यहाँ ईडीएससी में भेज दे, बता देगा ना। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।